दोस्तों यहाँ जब से फिल्म स्क्रू ढीला की अनाउंसमेंट हुई थी तब से ये फिल्म जिसमें कि काफ़ी गड़बड़ी लग रही थी, हालांकि ये गड़बड़ी अभी भी ठीक नहीं हुई है और देखने को मिल रहा है कि अभी भी इस फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ बॉलीवुड हंगामा की लेटेस्ट रिपोर्ट जिसके साथ ही जानने को मिल रहा है कि फिल्म स्क्रू ढीला जो कि फाइनली पूरी तरीके से बंद हो गई है और जिसकी अभी इसकी फाइनल वजह भी बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ टाइगर की फीस जो कि मेन कारण है इस फिल्म को न बनाने का। दोस्तों जहाँ एक तरफ करण जौहर तो इस फिल्म को बनाना चाहते थे, लेकिन जब यह करण को टाइगर की फीस के बारे में पता चला तो यह करण जौहर जो कि पूरी तरीके से शॉक हो गए और यहाँ उसके बाद इस फिल्म पर काम रोक दिया गया। दोस्तों जैसे कि बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए टाइगर की तरफ से डिमांड की गई थी 30 करोड़ की, हालांकि यहाँ करण जौहर जो कि इतनी ज़्यादा फीस देना जो कि फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जैसे कि इसी कारण से फिल्म को बंद किया गया। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ टाइगर के लिए फिल्मों को स्पेशली बनवाया जाता है क्योंकि टाइगर की फिल्मों में अच्छा खासा वक्त तो लगते ही है, साथ ही साथ यहाँ पर टाइगर को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होता है और जैसे कि इस कारण से यहाँ पर टाइगर की फीस जो कि बढ़ी हुई रहती है और जैसे कि यहाँ पर तो देखने को मिल ही रहा है कि यार टाइगर को अपनी फिल्मों की शूटिंग में कितना ज़्यादा वक्त लग रहा है और यहाँ इस कारण से बैक टू बैक शूट करने के बावजूद यहाँ पर टाइगर की फिल्में जो कि आती हुई नहीं दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अक्षय जो कि अपनी फिल्मों के लिए यहाँ पर डे करोड़ों की फीस वसूलते और जैसे कि बड़े स्टार्स तो आजकल यहाँ पर 50 करोड़ के नीचे मानते ही नहीं है और इस बीच यहाँ पर टाइगर की 30 करोड़ की फीस भी करण जौहर को काफ़ी ज़्यादा लगी और यह इसी कारण से इस फिल्म को रोका गया। हालांकि देखने वाली बात रहेगी क्या करण जौहर का रिएक्शन जो कि इस रिपोर्ट पर कैसा आता है। तो समझते हैं आपको क्या लगता है फिल्म स्क्रू ढीला के लिए टाइगर की 30 करोड़ की फीस कितनी जायज है, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।